जब योगी जी ने लोगों से नौटंकी बंद करने को कहा तो लोगों को भी उनसे यही कहना चाहिए था। सोशल मीडिया पर आज की हलचल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक स्कूल वैन के ट्रेन की चपेट में आने से 13 बच्चों की मौत की खबर पर आज सोशल मीडिया में कई लोगों ने शोक जताया है। यह दुर्घटना मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस बात का जिक्र करते हुए सवाल उठाया है कि रेल मंत्रालय ऐसी क्रॉसिंग खत्म क्यों नहीं करता। रविंद्र मधेशिया की फेसबुक पोस्ट है, क्या बुलेट ट्रेन और वाईफाई रेलवे क्रॉसिंग फाटक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही निराशाजनक बात है कि हमारी सरकार वाईफाई की सुविधा रेल स्टेशनों पर देने में गर्व महसूस करती है, जबकि हमारे यहाँ बुनियादी सुविधाओं का ही अभाव है। कुल मिलाकर हमारे यहाँ सिर्फ मार्केटिंग चल रही है। इस दुर्घटना के चलते सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी खूब खिंचाई हुई है। इस दुर्घटना के चलते वे कुशीनगर पहुँचे थे। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तब यहाँ भीड़ ने उनके खिलाफ नारेबाजी कर दी। इस पर योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया थी, ये नारेबाजी और नौटंकी बंद करो, मैं शोक संतप्त परिवारों से मिलने आया हूँ। सोशल मीडिया पर एक बड़े तबके ने आदित्यनाथ की इस टिप्पणी को शेयर करते हुए उनकी आलोचना की है और कहा है कि उन्हें शोक संतप्त परिवारों के साथ शालीनता से पेश आना चाहिए था। फेसबुक पर एक यूजर की सख्त टिप्पणी है, उनका योगी आदित्यनाथ परिवार नहीं है, इसलिए वे परिवार की कीमत नहीं जानते। अशोक गरेकर ने तवनस किया है, असली योगी को शांत रहना चाहिए, उसे कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया में योगी आदित्यनाथ ही इस टिप्पणी पर आई कुछ और प्रतिक्रियाएं। समर अनार्य, योगी आदित्यनाथ कुशीनगर हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों पर भड़के, उंगली उठाकर धमकाया, कहा नौटंकी बंद करो, खुश तो हो ना भक्तो। भाजपा समर्थक और बाकी वो सब भी जिन्होंने इन घमंडी धर्मांधों को सत्ता में पहुँचाया है। माही कुशीनगर में प्रदर्शन कर रहे लोगों से योगी आदित्यनाथ का यह वीडियो कहना था, क्या आज न्यूनतम संवेदनशीलता की अपेक्षा कुछ ज्यादा अपेक्षा करना है? योगी आदित्यनाथ के लिए कुशीनगर हादसे में अपने बच्चे गंवाने वाले माँ बाप का गुस्सा नौटंकी है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, लेकिन अगली बार उसी को वोट दें जिसका परिवार और बच्चे हों।